गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन की भुजिया। और इसके लिए मैंने लिए हैं 5 से 6 बैंगन, अपने बगान से मैंने लिए। देखिए ये काफ़ी फ्रेश है फ्रेंड्स। और अभी आपको जितने ताज़े हरे बैंगन मिल जाते हैं तो उसका टेस्ट अलग ही होता है। और मैं भुजिया बनाने जा रही हूँ, तो देख सकते हैं भुजिया हमारी बहुत अच्छी और टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 5 से 6 बैंगन लिए हैं और इसे मैं लंबे लंबे पतले पतले टुकड़ों में काटूंगी फ्रेंड्स। तो देखिए किस तरीके से मैं इसे काट रही हूँ, लंबे लंबे और पतले पतले साइज में, ताकि ये देखने में भी काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है फ्रेंड्स। इस तरीके से मैं इसे काट के रख दूँगी। और देखिए किस तरीके से मैं इसे कट कर रही हूँ, आप भी बनाएं, ये काफ़ी टेस्टी लगेगी ये भुजिया खाने में। इसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं और पराठे के साथ खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पतले पतले करके सारे बैंगन को काट लिया है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको, और मैं इसे बनाने जा रही हूँ, आप भी बनाएं और खाएं। ठंड के मौसम में ये काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरा पैन गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें 1 चम्मच के करीब जीरा डाल देती हूँ फ्रेंड्स। और जीरा को थोड़ा सा अभी मैं भूजूंगी, थोड़ा सा जीरा हमारा होगा गर्म तेल है, थोड़ा सा पकेगा। जीरा पक जाने के बाद फ्रेंड्स इसमें मैं बैंगन डालूंगी। तो अभी देखिए तेल को हम लोग को फ्लेम को हाई रखना है, यहाँ पे हाई फ्लेम पे मैं इसे जीरा को अच्छे तरीके से भूजूंगी। और तब इसमें फ्रेंड्स मैं डालूँगी जो मैंने बैंगन काट के रखे हैं लंबे लंबे पतले पतले, उस बैंगन को मैं इसमें डालूंगी। थोड़ा सा जीरा भून लेना है। और पहले मैं प्याज डाल देती हूँ, कुछ प्याज मैंने काट के रखे थे, 1 मीडियम साइज़ का प्याज भी मैंने लिया है फ्रेंड्स। प्याज डालने से बैंगन की भुजिया का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, तो आप इसे एक बार बना के देखिए। प्याज हमारा भूज रहा है फ्रेंड, तो अच्छे तरीके से इसको सौटे करेंगे प्याज को। और देखिए प्याज हमारा लगभग भून गया है, 5 मिनट में, 5 मिनट का टाइम लगा है, इसे भूजेंगे। तब इसमें हम डालेंगे कटे हुए अपने लंबे लंबे पीसेस की भुजिया, बैगन की लंबे लंबे पीसेस में जो हमने काट के रखे थे इसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और मैं इसे चलाऊंगी अच्छे तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स ये हो गया है हमारा, तरीके से आपको भूजना है। और थोड़ी देर के लिए इसको ढक के भी रखना है आपको, 5 मिनट ढक दीजिए। थोड़ी देर में चलाऊँगी और 5 मिनट इसे मैं कवर करके रख दूँगी। तो देखिए पहले अच्छे तरीके से इसको आपको मिक्स कर लेना है इसके साथ, देख सकते हैं आप कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। और खाने में इसका स्वाद काफ़ी अच्छा होता है, नॉर्मल सब्जी से भी ज़्यादा। सब्जी का भी टेस्ट फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगता है। पर भुजिया बना के आप ट्राई करिए एक बार, इसे आप मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिए, घर में बना के देखिए, इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ ढक दिया था, उसके बाद मैं इसमें अब हल्दी डालूंगी, 1 चम्मच हल्दी टेस्ट के अकॉर्डिंग। और तो 1/2 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूंगी फ्रेंड्स। और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक डालूंगी, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक लिया है। इस तरीके से करके मैं इसे मिक्स कर दूंगी। तो अच्छे तरीके से इसको आप मिक्स करें, इसमें गर्म मसाला ना डालें, इसका टेस्ट बैगन का एक अपना ही टेस्ट आएगा, जो कि काफ़ी फ्लेवरफुल होगा, स्वाद से भरा हुआ होगा। तो देख सकते हैं कैसे मैं भूज रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी भूज लीजिएगा। और इस तरीके से भूजने से हमारी भुजिया काफ़ी टेस्टी होगी। और फिर मैं इसे 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और 5 मिनट के लिए मैं इसे ढक के रख दूँगी। और देखिए अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। तो देखिए थोड़ी देर के ढकने के बाद किस तरीके से मेरा बैंगन हो चुका है, ये काफ़ी क्रिस्पी करारा बन के रेडी हुआ है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।